हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सन वांग। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। सॉरी टू से, ये एक सन वांग फैन फिक्शन है, ठीक है। एक्चुअली मैं सन वांग, वैसे तो वोट मिला है वांगसन, मॉडर्न वांगसन का, बट मैंने सोचा है कि पहले मेरा एक FF है, हिस्टोरिकल है, वो सन वांग है, तो मैंने सोचा पहले सन वांग को मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं वांगसन को शेयर कर दूँगी, वही वाला जो आप लोग कह रहे हो, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग हैं जो कि सन वांग का डिमांड कर रहे हैं, एंड अगर एक लोग ने भी नहीं कहा होता ना कि मतलब सन वांग नहीं चाहिए, सिर्फ वांगसन ही चाहिए, तो मैं वांगसन ही लेके आती। बट यहाँ पे कुछ लोगों का, मतलब एक से भी अधिक लोगों का ना डिमांड है सन वांग FF का, तो मैं इसीलिए ना सन वांग लेकर के आई हूँ, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल है, टॉप वी वो सन बॉटम लान वांग जी, इस स्टोरी का नाम है स्ट्रांग लव, ओके। और साथ ही साथ इस स्टोरी में वे वो सन एक 9-tail फॉक्स है और लान वांग जी एक 3-tail फॉक्स है, ओके। सो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास नहीं करते। और हाँ, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड के नॉइज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ओके। सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। और अगर मेरी वॉइस, मतलब मैं अगर स्लो बोलूँगी, मतलब रुक रुक के बोलूँगी, तो आप लोग ना टॉकिंग स्पीड को ना फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग की हेल्प हो जाएगी सुनने में। सो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाई दी जाती है कि एक लेडी जो कि जियान क्लान की तरफ बढ़ रही है, और उनके हाथों में ना एक छोटा सा बच्चा है, और वो जाती हैं जियान क्लान लीडर के घर पे। जब वो उन्हें वो लीडर्स देखते हैं ना, जियान क्लान्स के लीडर्स जब उन्हें देखते हैं ना, मतलब वहाँ की महारानी और महाराज देखते हैं जब उन्हें, तो वो लोग तुरंत अपने घुटने पे बैठ के उन्हें बो करते हैं, और वो दोनों ही बोलते हैं कि महागुरु, आप यहाँ क्या कर रही हैं, बाउसा सरन, ये बाउसा सरन है, ओके। तो वो बोलती हैं कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आई हूँ, जियांग फैमिया और यू तुम्हारे पास भी। तो वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या बात है महागुरु, अगर आपको कुछ ज़रूरत था तो आप हमें बुला लेती, हम आ जाते आपके पास, तो आपने क्यों कष्ट लिया। तो ये सुन के ना महागुरु बोलती है, इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ये मेरा ग्रैंडसन है और मेरी बेटी का डेथ हो गया है, और मेरे ग्रैंडसन का देखभाल करने के लिए अभी कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडसन वी वो सन का देखभाल तुम करोगी, एक माँ बन के इसे माँ की फीलिंग्स तुम दोगी, समझ में आया यू। ये सुनते ही ना मैडम यू फटाफट अपने घुटने पे बैठ जाती हैं, और वो बोलती हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य हुआ कि आपके ग्रैंडसन को ग्रैंडसन का देखभाल करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्य हो गई हूँ, मैं और आपके ग्रैंडसन को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। ये सुनते ही ना महागुरु बोलती हैं, यू ये ध्यान रखना, ये मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, ये मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, जिस प्रकार मैं एक 9-tail फॉक्स हूँ, उसी तरीके से मेरा ये ग्रैंडसन भी एक 9-tail फॉक्स है, और इसका आने वाला बच्चा भी एक 9-tail फॉक्स ही होगा, तो ध्यान रहे मेरे बेटे पे कोई भी आँच ना आए, किसी भी प्रकार का उसे प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, उस पर उसको पूरी निगरानी से उसको बड़ा करो, ठीक है, और उसे माँ का प्यार और पिता का प्यार दोनों ही दो। ये सुनते ही दोनों ही जियांग फैमिया और मैडम यू जो है ना, वो बो करते हैं और फिर बोलते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ग्रैंड चाइल्ड का पूरा ध्यान रखने का। ये सुनते ही महागुरु बोलते हैं, अब इसे लो,
और ऐसा कह के ना विंग को दे देती हैं उसके हाथों में, और सारे वहाँ पे मतलब विंग और मतलब जियांग फेमा और मैडम यू जो है ना नारा लगाते हैं कि राज प्रिंस वे वुशियान की जय। और ये सुनते ही ना विंग हंसने लगता है, मतलब वो छोटा सा विंग, क्यूट सा छोटा सा विंग जो कि अभी मैडम यू की गोद में है, उसका छोटा 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 एकदम कान है सिर के ऊपर, और छोटा छोटा नाइन टेल फॉक्स है, और विंग इतना खिलखिला के हंस रहा है। तभी वो अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखता है, ग्रैंड मदर का अपना हाथ पकड़ मतलब उनका हाथ पकड़ लेता है, हाथ का उंगली। जो बॉसेस सरन है वो झुकती हैं विंग के फॉरहेड पे किस करती हैं और बोलती हैं, अपना ध्यान रखना बच्चा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, कोई भी ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद करना। और ये फिर बोल के मैडम यू की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो मुझे बता देना, ठीक है। ये सुनते ही सब वो दोनों ही वो करते हैं, उसके बाद वहाँ से बावसासन गायब होकर चली जाती हैं। फिर मैडम यू देखती हैं विंग को, विंग कितना ज़्यादा प्यारा क्यूट सा एकदम नाजुक सा बच्चा लग रहा था, और फिर बोलती हैं मैडम यू, कहीं से ये अल्फा लग रहा है, ये कितना क्यूट लग रहा है ना जांगफू। ये सुनते ही जैंग मैं बोलते हैं, हाँ ये तो अल्फा लग ही नहीं रहा है, हाँ गाइस ये ओमेगा वर्स है, ठीक है, विंग एक अल्फा है। तो उसके बाद ना विंग जो है ना वो काफ़ी मतलब अपना रोने वाला फेस बना लेता है। ये देखते ही ना मैडम यू को समझ में आ जाता है कि विंग को क्या चाहिए। उसके बाद वो जाती है अपने रूम में, जाने के बाद वो विंग को ना ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती, क्योंकि विंग देखो मैडम यू जो है ना अभी इस वक्त 7th मंथ की प्रेग्नेंट है, उनकी एक बेबी ऑलरेडी हो चुकी है जो कि जियांग याली है, ओमेगा है वो, और उनका जो दूसरा बच्चा जो है ना उनके पेट में है। और 7th मंथ हो जाने के बाद जो लेडीज होते हैं ना उनके ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए ना वो विंग को मिल्क अपना पिला देती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके करीब 2 महीने बाद, अभी जो मैडम यू का ना डिलीवरी हो गया है और उन्हें एक अल्फा फॉक्स हुआ है, बॉय हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी आंखें जो है उनके फादर पे गई है, जेंग फेम्मा पे गई है, और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सबको ये भी पता चल गया कि उनका एक और प्रिंस है जो कि वे वुशियान है, और सबसे ज़्यादा खुल के सबको कुछ नहीं बताया जाता है कि मतलब ये बाव से सरन का बेटा है ये वे, मतलब ठीक है कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ नॉर्मल बताया जाता है कि ये हमारा ही बच्चा है, हमने इसे अडॉप्ट किया है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है करीब 2 साल बाद, विंग और जियांगचिंग खेल रहे थे, उसके बाद विंग जो है ना वो सो जाता है। सोने के बाद करीब रात के टाइम मैडम यू उसको बुलाने आती हैं कि विंग खाना खा लो, बट जब वो आती हैं विंग को टच करती हैं ना तो वो एकदम घबरा जाती हैं, क्योंकि विंग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी वाला बुखार हो जाता है। और फिर मैडम यू है ना वो चिल्ला के बोलती है, चिल्ला के गार्ड को बोलती है कि फेम्या को बुलाने के लिए, मतलब सबको बुलाया जाता है, चैंग फेम्या को बुलाया जाता है और साथ में जैंग चैन भी आ जाता है और यानली भी आ जाती है, सब लोग आ जाता है, और हीलर्स को बुलाया जाता है चेक कराने के लिए, बट हीलर्स जो है ना वो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बुखार, मैंने तो दवा भी दे दिया फिर क्यों नहीं ये ठीक हो रहे हैं। तो मैडम ये बोलती है, क्या दवा पीने के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है वी? ये सुनते ही जो हीलर्स है ना वो भी हाँ कह देते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने दवा दिया ही नहीं, अबले तो इन्हें आराम हो जाना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं आराम हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद ना मैडम यू बोलती है, रुको मुझे एक स्पेल आता है मैं वो ट्राई करती हूँ, हो सके विंग ठीक हो जाए, ऐसा बोल के वो सबको दूर करती है। उसके बाद उन्होंने ना मतलब एक स्पेल पढ़ा और उस स्पेल को ना मतलब तालिस्मैन के जरिए विंग के अंदर डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग को चेक किया गया तो बुखार उसका कम हो गया था, तो सब लोग ने कहा कि इसे आराम करने दो और हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में आराम करने, बट मैडम यू और जंग फेमा को थोड़ा टेंशन हो रही थी,
नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैडम यू जो है ना, वो आती हैं आने के बाद विंग को उठाने के लिए। लेकिन वो जब जो चीज़ देखती है ना, वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, जिसकी आवाज़ से ना जैंग फेम्या और यानली जैंग चेन सभी आ जाते हैं उस जगह पे। आने के बाद सब लोग देखते हैं जो ना, वो शॉक्ड हो जाते विंग जो कि लेटा हुआ है एकदम गहरी नींद में, और उसका पूरा बदन काला पड़ गया है। यहाँ तक कि उसका जो टेल है वो भी काला हो गया है। विंग एक प्योर वाइट कलर का फॉक्स था, प्योर वाइट कलर का। उसके माथे पे एक चिन्ह था, कुछ सूर्य की तरह एक चिन्ह था, और वो भी रेड कलर का रहता था, काफ़ी ज़्यादा वो चमकता था। विंग एक खूबसूरत सा नाइन टेल फॉक्स था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि विंग के ऊपर ग्रहण पड़ गया है। विंग पूरी तरीके से ब्लैक कलर का फॉक्स में बदल गया है। सभी हीलर्स को बुलाया जाता है, चेक कराया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैडम यू जैंग फेम्या विंग को लेकर के जाते हैं एक टेम्पल में। टेम्पल में ले जाने के बाद वो बासो सरन को बुलाने लगते हैं। फिर वहाँ पे बासो सरन आती हैं। बासो सरन आने के बाद जब विंग का हालत देखती हैं तो वो शॉक्ड, और वो पूछती कि ये सब कैसे हुआ। तो मैडम यू सारी बात बता देती हैं। फिर जो बासो सरन है वो विंग को गोद में लेते हुए बोलती है, यू क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो स्पेल है ये सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे फॉक्स पे काम हो सकता है, यू इस्तेमाल हो सकता है। विंग एक नाइन टेल और स्पेशल चाइल्ड है, वो अभी वो बच्चा है, वो भी एक नाइन टेल है, वो इस तरीके का मैजिक नहीं संभाल सकता है। तुमने क्या किया यू? ये सुनते ही ना मैडम यू घुटने पे बैठ जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया, बस मुझे लगा था कि शायद इससे काम बन जाए और विंग का तबीयत ठीक हो जाए। तो बाउसा सरन कुछ नहीं बोलती है। फिर विंग को ले जाती हैं, एक टेबल पे लेटा देती हैं, और फिर वो विंग को देखती हैं ऊपर से नीचे है। विंग का पूरा शरीर काला हो चुका था, उसका चेहरा, उसका हाथ, उसका पैर, उसका कान, सब चीज़ उसका काला काला हो गया था। उसके बाद बाउसा सरन एक स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं और एक तलिस्मान विंग की तरफ भेजती है, जिसके कारण विंग के अगल बगल में सर्कल में एक मतलब एक सर्कल बन जाता है, उससे लाइटिंग आने लगती है। फिर उसके बाद बासो सरन जो है ना और भी कुछ स्पेल्स को पढ़ती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक रोशनी अपेयर होता है उस सर्कल से, फिर वो विंग के अंदर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो वो सर्कल है ना वो गायब हो जाता है। उसके बाद जो विंग विंग जो है ना उसकी बॉडी को दिखाया जाता है। उसका बॉडी जो है ना धीरे 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 वाइट हो गया, मतलब उसका स्किन जो है ना वो वाइट हुआ था, ना कि उसका टेल और ईयर, फॉक्स ईयर ना ही फॉक्स टेल, ओके बाकी सब वाइट हो गया था। ये देखते ही ना बाउसर एक गहरी सांस छोड़ती है। उसके बाद वो विंग का सर हिलाती है और बोलती है, वैसे तो तुमने सही टाइम पे विंग को ये यहाँ लेके आया, विंग को एक कर्ज लग गया है। ये सुनते ही वो शॉक्ड, मैडम यू जैंग फैम मैं दोनों ही शॉक्ड। वो पूछते हैं, क्या कर्ज? पर कैसे? मैंने तो सिर्फ एक स्पेल पढ़ा था जिससे बुखार विंग का कम हो जाता। ये सुनते ही कांग्से सर बाउसा सनम बोलती हैं, हाँ पर उस स्पेल का विंग के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ गया। अभी विंग एक कर्स्ड अल्फा नाइनटल फॉक्स है जो कि एक ब्लैक कलर का बन चुका है। ये सुनते ही मैडम ये रोने लगते और बोलते कि इस ये ठीक कैसे होगा। तो फिर बहुत से रन बताती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्यार से ठीक हो सकता है, एक ऐसा प्यार जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसमें कोई भी लोभ, ईर्ष्या, किसी भी तरीके का कोई भावना नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, एक प्योर लव हो, उसी से ये कर्ज खत्म होगा। ये सुनते ही जो मैडम यू पूछती, प्यार? हाँ तो मैं तो करती हूँ विंग से प्यार। तो बोलती, ये प्यार एक पार्टनर के जरिए मिलता है, जो प्यार पार्टनर के जरिए मिलता है वो फैमिली नहीं दे सकती है यू।
चिंता मत करो, विंग अभी पूरी तरीके से ठीक है। जल्द ही विंग का सोलमेट मिल जाएगा। विंग के सोलमेट का जन्म हो चुका है और उसका सोलमेट ही विंग को इस कर्ज से दूर करेगा, एक सच्चा प्यार करके उसे अपना बना के। धीरे धीरे विंग का ये कष्ट हट जाएगा और ये तभी होगा जब उसका सोलमेट उसे स्वीकार करेगा और उससे बहुत सारा प्यार करेगा। ये सुनते ही मैडम यू बोलती हैं, ठीक है, मैं तब तक लिए विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन फिर मतलब जैंग फैम बोलते हैं कि लेकिन विंग का सोलमेट है कौन? ये सुनते ही ना भाव सरन एक स्माइल करती हैं और फिर बोलती हैं, विंग का सोलमेट एक फॉक्स होगा, और वो फॉक्स कोई मामूली फॉक्स नहीं, वो थ्री टेल फॉक्स होगा और उसमें भी कुछ अलग ही शक्तियाँ होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से विंग के माथे पे ये सूर्य का निशान बंधा हुआ है, ठीक उसी तरीके से विंग के सोलमेट के माथे में एक चंद्रमा का निशान होगा, एक खूबसूरत सा थ्री टेल फॉक्स विंग का सोलमेट बनेगा और उसका सच्चा प्यार भी। ऐसा बोल के वो एक स्माइल करती हैं और विंग के फॉरहेड पे किस करती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक फॉक्स का सीन दिखाया जाता है, वाइट कलर का फॉक्स है जो कि थ्री टेल है उसका, उसके माथे पे ठीक उसी तरीके का निशान है जिस तरीके से बासु सरन ने कहा था, एक चंद्रमा का निशान जो कि रेड कलर में बना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो फॉक्स किसी एक लेडी के अगल बगल घूम रहा है और फिर वो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, उसका टेल इतना ज़्यादा हिल रहा है जैसे आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो लेडी बोलती है, आजान रुको, अरे मेरे पास आओ, इतना मत डरो तुम। तभी वो फॉक्स एक जगह रुक जाता है, फिर वो थोड़ा दूर जाता है, उसके बाद वो थोड़ा झुकता है जैसे कि वो रेडी हो रहा है उछलने के लिए, और उसकी वो लेडी भी शायद समझ गई थी कि अभी ये फॉक्स क्या करने वाला है। इधर वो फॉक्स का पूंछ पहले हिलता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कर देता है और वो एक जोर का जंप लगाता है और डायरेक्ट उस लेडी के तरफ लगाता है वो जंप, और वो लेडी भी सही टाइम पे उस फॉक्स को पकड़ लेती है और वो फॉक्स अचानक से ही एक मैन में कन्वर्ट हो जाता है, एक क्यूट सा ओमेगा बॉय में, और वो बोलता है, मदर मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ मदर, आज मैं 3 साल का हो गया हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनते ही ना वो लेडी बोलती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा सा आजान लानसान, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये कौन होगा, हमारा क्यूट सा वांग जी, लान वांग जी, ऑफ कोर्स ये वही है। तभी वो जो लानसान रहता है ना, वो अपनी मदर को हग कर लेता है और वो ना बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, उसका तीनों के तीनों टेल जो ना बहुत ज़्यादा हिल रहा था, और ये देख के ना मैडम लान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी पीछे से एक लड़का आता है, बोलता है, आजान देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, लानजान ये देखो ना। तभी वो तभी जो वांझी जो है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो बोलता है, गगा गगा मेरा गिफ्ट कहाँ है, आज मैं 3 ईयर हो गया, 3 ईयर ओल्ड हो गया, अब मेरा गिफ्ट मुझे दो, आप जल्दी दो मुझे मेरा गिफ्ट। ये सुनते ही ना जो मैडम लान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है अपने दोनों बच्चों को देख कर। फिर उसके बाद जो मतलब लैंड सिचन है, ऑब्वियसली वो लैंड सिचन है, वो देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और फिर वो बोलते हैं, हाँ हाँ दे रहा हूँ, रुको 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 जरा, ऐसा बोल के वो अपने हाथों में कुछ खोजने लगते हैं। तभी उन्हें वो चीज़ मिल जाता है जो उन्हें अपने ब्रदर को देना है, और वो एक क्राउन निकालते हैं जो कि फूलों से बनाया हुआ था, जो कि खुद सिचन ने बनाया था। वो बोलते हैं, लानसान नीचे आओ, नीचे आओ ना। तभी वांग जी फटाक से नीचे आ जाता है उसकी मदर से बोल के। उसके बाद वो
अपने ब्रदर के पास जाता है। फिर सिचेन जो है ना उसके फोरहेड पे मतलब उसके सर पे उस फूलों से बना ताज को रख देता है। बोलते हैं वाओ मदर लांजन कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये सुनते ही लानी बोलती है बिल्कुल ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा बच्चा है ही सुंदर, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करती है और वांगजी जो है ना वो छलने लगता है। तभी पीछे से एक दो मैन आते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या हो रहा है यहाँ। तभी लान वांगजी और सिचन उस तरफ देखते हैं और वो दोनों ही दौड़ जाते हैं उस तरफ जहाँ से वो दो मैन आ रहे थे। दोनों ही एक मैन को हग कर लेते और वो दोनों चिल्ला के बोलते फादर फादर देखो ना आप आज मैं 3 साल का हो गया हूँ और आपने अभी तक मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दिया। ये सुनते ही जो लैन चिंगन जुन है वो बोलते हैं आज तो आजान का बर्थडे है ना, जन्मदिन है, ओ मैं तो भूल ही गया कोई गिफ्ट लाना था क्या आजान, अरे यार मैं तो भूल ही गया अब मैं क्या करूँ। ये देख सुनते ही ना मतलब आजान का मुंह बन जाता है, उसकी आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आ जाते, इतने बड़े बड़े आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। ये देखते ही ना लैन कुरन बोलते हैं क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, हाँ उसे उसका गिफ्ट दो। ये सुन मतलब उसके उसे उसका गिफ्ट दे दीजिए गगा। ये सुनते ही चिंगन जुन बोलते हैं अरे कुरैन तुम शांत भी रहते हैं, मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा था। तभी लैनी आके बोलती है उसे रुला रहे हो आप और अब आप बोल रहे हो कि क्यूट लग रहा था, हाँ ऐसा बोल के वो लानजान को ना गोद में उठा लेती है और उसके आँखों को साफ करते हुए बोलती है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है तुम रो मत। ये सुनते ही वांगजी खुश हो जाता है, फिर वो बोलता है कि मेरा गिफ्ट मुझे तब दीजिए वापस। तो फिर चिंगन जुन है ना अपने रोप से ना एक बॉक्स को निकालते हैं और वो वांगजी को दे देते हैं। वांगजी उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक खूबसूरत सा जेड का पेंडेंट था जिसे कमर पे लटकाते हैं रोप्स में जैसे वांगजी लटकाता था वो था। और ये देख के ही वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कुरैन वांगजी को जो कि देख रहा था और फिर वो स्माइल करता है। तभी पीछे से कुरैन की वाइफ आती है और वो बोलती अरे लगता है कि सब लोग ने आजान को गिफ्ट दे दिया, अब मेरा गिफ्ट तो कोई नहीं लेगा, ऐसे बोल के वो मुंह बना लेती हैं। ऐसे सुनते ही ना कुरैन एक स्माइल करता है, फिर उसके बाद बोलते हैं ओहो मैं भी गिफ्ट लाया था आजान के लिए, लगता है आजान तो अपनी मदर और फादर से ही गिफ्ट लेगा, अंकल और आंटी को तो भूल ही गया है वो, ऐसा बोल के वो मुंह बना लेता है कुरैन। ये सुनते ही ना आजान मतलब लानजान बोलता है नहीं नहीं मैं लूँगा ना मैं लूँगा अब मुझे गिफ्ट तो दो। ये सुनते ही ना सब हंसने लगते हैं। उसके बाद लैन कुरैन भी वांगजी को गिफ्ट देते हैं और उनकी वाइफ भी पीछे से वांगजी मतलब उन लोगों का भाई भी आता है जो कि वांगजी से 1 साल बड़ा था, वो 4 साल का था, जो कि लैन कुरैन की वाइफ के साथ ही आया था। वो भी वांगजी को गिफ्ट दे देता है, कुछ फूल दे देता है वो। उसके बाद यहाँ से मतलब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने ब्रदर के साथ अपने छोटे से ब्रदर के साथ खेल रहा है, इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हर जगह वो खेल रहा है। और खेलते खेलते उसे एक लोटस का फ्लावर दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हद से ज़्यादा खूबसूरत था। वो सोचता है कहाँ से ये लोटस उसके पास होता, क्योंकि वो तालाब में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दूरी पे था और वो बहुत खूबसूरत रेड कलर में खिला हुआ था, पूरा बहुत ज़्यादा खिला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो विंग सोच रहा था कि कहाँ से ये लोटस उसके पास आ जाए और वो उसे ले ले, बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, पर हाँ ये हो सकता है कि विंग वहाँ चला जाए। बट विंग कैसे जाएगा? विंग तो नहीं जा सकता, बट उसका टेल एक उड़ता है और उड़ के वो उस लोटस को पकड़ लेता है। विंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसका टेल उसके मन की बात सुन लिया,
तभी वो उसका मतलब विंग का जो एक टेल गया था ना उस फ्लावर को लेने के लिए, वो उस फ्लावर को तोड़ता है और फिर वो विंग को दे देता है, और विंग खुश हो जाता है और बहुत नाचता है। और फिर वो दौड़ के जाता है यानली के पास और वो सिज्जे सिज्जे करके चिल्लाता है, और फिर वो यानली को वो फ्लावर दे देता है और बोलता है कि उसके ये टेल ने तोड़ा। मतलब वो अजीब तरीके से अपने टेल को दिखाता है, मतलब वो होता है ना कमर को थोड़ा सा निकाल के और टेल को हिलाओ, मतलब बम बम को हिलाते हैं ना उस तरीके से, विंग टेल को हिलाते हुए बता रहा था कि उसके टेल ने ये फ्लावर को तोड़ा है, कि ये छोटी सी नेंटेल फुक्स मतलब जो टेल है पूंछ है जो वो तोड़ के दिया है ये फ्लावर। ये सुनते ही नहीं यानी का तो मतलब मुंह ही खुल जाता है, और बगल में ही मैडम यू बैठी थी वो भी मतलब अचंभव नजरों से विंग को देखती है, क्योंकि फॉक्स का जो टेल है ना वो ऐसा हरकत नहीं करता है, ठीक है, वो नॉर्मल ही रहता है। ये सभी नॉर्मल फॉक्स है, एक टेल वाले फॉक्स है ये सभी, सिर्फ विंग ही है जो कि नाइनटेल फॉक्स का है और वांगजी है जो कि थ्री टेल फॉक्स का है, और बाकी सब के सब नॉर्मल एक टेल वाले है फॉक्स है। ये फॉक्स का ही वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ड्रैगन नहीं है, कोई फिनिक्स विनिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ फॉक्स ही फॉक्स है। ओके, तो चलिए गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रोकते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। क्या आप लोग इसको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और आप अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, एंड हाँ आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।